वीरवार देर शाम कैंट की दाल मंडी से कबाड़ी बाजार की ओर गई संदिग्ध बलेरो गाड़ी और उसमें सवार लोगों की अंबाला पुलिस ने पहचान कर दी है। ये लोग यमुनानगर की समाज सेवा करने वाली चैरिटेबल सोसाइटी के अधीन आने वाले स्कूल चलाते हैं और वह अपने स्कूल की 7 बसों के लिए तरपालनुमा सीट कवर लेने के लिए आए थे। पुलिस ने देर रात छछरौली रोड पर पहुंचकर इनसे संपर्क किया और दस्तावेज देखने के बाद अपनी तसल्ली की। तो बलेरो गाड़ी है तो उसमें भैया लोग आए थे और इन्होंने अंबाला छावनी में कुछ दुकानदारों से जाने की कोशिश की कि फौजी कलर का जो कपड़ा या वर्दी है वो कहाँ मिलती है। तो उसके बाद इन्होंने लगभग 264 मीटर कपड़ा होता है 18,000 रुपये में गई की शॉप है कि जगदीश लाल गई है तो वहाँ एक गाड़ी बाजार में वहाँ से उन्होंने ये कपड़ा परचेज किया और ये कपड़ा लेके वहाँ पे वापस चले गए थे। देखिए अभी जहाँ तक ये नंबर है जो दिया गया था उसमें गाड़ी का जो नंबर है उसको हमने डीएम ऑफिस से वेरीफाई किया और इसमें साइबर की भी हेल्प ली गई, साइबर हमारा जो स्टाफ है उसकी हेल्प ली गई और गाड़ी का नंबर ट्रेस करने के बाद जहाँ का जो एड्रेस था उसमें वो एड्रेस के ऊपर हमने टीम भेजी और टीम से वेरीफाई करवाने के उपरांत तो हमें यही बात नोटिस में आई कि ये जो कपड़ा था वो किसी मिसयूज के लिए नहीं खरीदा गया और उसको केवल स्कूल की जो बसें थी उसमें जो सीट कवर वगैरह उन्होंने डलवाने थे तो उसी के लिए खरीद किया गया था। सर कितनी टीमें और कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां इस काम पर लगी? एक तो हमारी सीआईए की टीम है और अंबाला छावनी की टीम इसमें लगाई गई थी और इसके अलावा जो यमुनानगर पुलिस है उनका भी हमें बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने रहा भी जो सीआईए और लोकल जो सिटी एसएचओ थे तो उन्होंने भी हमें काफी हेल्प की इस मामले को समझाने में। अंबाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।